आप कस्बा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम शिरकत करने के बाद अपने संबोधन में अतिथियों ने विद्यार्थियों को सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारित कर परिश्रम करने की नसीहत दी। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन से हुई। गणेश वंदना के बाद करे राष्ट्र आराधना, मेरा मुल्क मेरा देश, चिरमी मारी चिरमली, होली नृत्य, हास्य कविता, आग्यो राज लुगायोगो, मुझे क्या बेचेगा रुपया, सागर पानी भरवा जाऊं, फोन के दुष्परिणाम, नंबर वन यारी, कालबेलिया नृत्य सहित एक से बढ़कर एक गीत, नृत्य, कविता व नाटक की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में अमृतलाल मुरलीधर भट्टर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा छात्राओं का मेमेंटो देकर सम्मान किया गया। विद्यालय विकास में सहयोग करने वाले भामा साहू का भी सम्मान किया गया। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह, सरपंच लीला देवी पालीवाल, तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी, CBEO मनफूल सिंह, पूर्व उप प्रधान जगदीश पालीवाल, पूर्व सरपंच किशनलाल पालीवाल, पूर्व सरपंच पूनम पालीवाल, उप सरपंच गोपाल भट्टर, श्री बल्लभ व्यास, सांग सिंह भाटी, बुद्धाराम सियाग, मेघराज व्यास, अखिराज खत्री, तोलाराम पालीवाल, मांगीलाल कुमावत, प्रकाश रंगा, भोमरा सुथार, प्रधानाचार्य प्रतिभा सामोर सहित विद्यालय स्टाफ व छात्राएं तथा अभिभावकगण मौजूद थे। संघ लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सचिव और निदेशक के पदों पर लेटर एंट्री के जरिए जारी की अधिसूचना के विरोध में आज यहां समता सैनिक दल तहसील शाखा बाप द्वारा राष्ट्रपति तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के नाम का अलग अलग ज्ञापन उपखंड अधिकारी महावीर सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में अधिसूचना को असंवैधानिक निर्णय बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपते समय तहसील अध्यक्ष गणपत भाट, मुख्य महासचिव रामचंद्र पवार, पुरखाराम पुनर, तिलोक चंद बारूपाल आदि मौजूद थे। बाप कस्बा निवासी नंद किशोर तंवर को OBC विभाग जिला देहात संयोजक तथा प्रकाश रंगा के सोशल मीडिया का प्रदेश संयोजक समिति सदस्य मनोनीत होने पर युवाओं ने दोनों का अभिनंदन किया। युवाओं ने माला अर्पण कर साफा पहनाकर दोनों का अभिनंदन किया। इस दौरान उप सरपंच गोपाल भट्टर, मनोज पुरोहित, रामचंद्र पवार, हरिराम गर्ग, ओम प्रकाश तंवर, अयूब खान, राजा जोशी, दिलीप भाटी, गोपाल आचार्य, मंगलाल जी नगर, रवि माली, दुर्गा प्रसाद माली, सेठू नाई आदि मौजूद थे। बाप में मुंसिप कोर्ट खुलवाने की वर्षों से चली आ रही मांग कल गुरुवार को पूर्ण होने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए आज शुक्रवार को कांग्रेस नेता महेश व्यास का ग्रामीणों ने स्वागत किया। कांग्रेस नेता श्री बल्लभ व्यास, पूर्व उप सरपंच कमल व्यास रहमतुल्ला, उप सरपंच गोपाल भट्टर, नंद किशोर तंवर, महासचिव मनोज पुरोहित, संतोष माली, राजा जोशी, भागीरथ विश्नोई, प्रकाश रंगा, ओम तंवर, रामचंद्र मेघवाल आदि ने माला व साफा पहनाकर महेश व्यास का स्वागत किया। धौलिया में हुई आगजनी में एक किसान के 3 झोंपड़े तथा उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। समाजसेवी मालदेव जेठू सिंह धौलिया ने बताया कि किसान छोगराम मेघवाल परिवार सहित खेत में बने 3 झोंपड़े में रहता है। दोपहर में अचानक एक झोंपड़े में आग लग गई। घटना के समय पीड़ित परिवार खेत में था। देखते ही देखते विकराल हुई आग में 3 झोंपड़े आ गए। लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन संसाधनों के अभाव में आग काबू में नहीं आई।